तो दोस्तों मेरे को अभी पुलिस ने पकड़ लिया था। मेरे को पूछ रहा है वेयर आर यू गोइंग। मैंने बोला सर टेम्पल जा रहा हूँ। बोले कहाँ से हो? मैंने बोला उड़ीसा से। बोले आधार कार्ड दिखाओ। आधार कार्ड दिखाया, फिर बोले वोटर आई कार्ड दिखाओ। मैंने सर वोटर आई कार्ड नहीं है। फिर बोले पैन कार्ड है? हाँ सर पैन कार्ड दिखाया। और फिर बोला इतने में नहीं हुआ। बोले और क्या आईडी प्रूफ है? मैंने बोला सर एटीएम है। सर एटीएम में देखो नाम दे, नाम कंफर्म किया संतोष कुमार मलिक है। फिर जाके मेरे को छोड़ दिया। कहाँ से आ रहे हो? नहीं सर ऐसे घूमने के लिए आ रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब पे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे को छोड़ दिए। बोले थैंक यू, ठीक है जाओ। तो भाई सिंगल बंदा हूँ और इसीलिए शायद तो सोचा कि हाँ कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके वजह से। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वहाँ से खड़े होकर ब्लॉगिंग कर रहा था, तो वो भी इधर से जा रहे थे बाइक से, तो उनको भी लगा हो कि हाँ कौन है, कहाँ, क्यों खड़ा है यहाँ पे। उसके वजह से मेरे से पूछ लिए। राम सेतु में जैसा पत्थर होता है छोटा छोटा पत्थर, वो पत्थर भी जैसा दिख रहा है मेरे को, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो पत्थर, वो सेम टू सेम पत्थर आप देखेंगे जब पानी में जाएंगे वहाँ पे देखने के लिए। तो पत्थर देखने के लिए जाएंगे, सेम टू सेम आपको दिखेगा। शायद मैं कन्फ्यूज हूँ बट मेरे को ऐसा सेम टू सेम लग रहा है। ये देख सकते हो, तो ये भी, और यहाँ पे भी काफ़ी सारे पत्थर सेम टू सेम दिख रहा है। ये भी थोड़ा बहुत उस तरह दिख रहा है। तो दोस्तों 1964 से पहले यहाँ पे काफ़ी बड़ा बाज़ार होता था, यहाँ पे चर्च होता था, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आके चर्चिंग का पूजा करते थे। बट 1964 में जो साइक्लोन आया था, तकरीबन 200 लोगों का यहाँ पे डेथ हुआ था खाली धनुषकोड़ी में, और बाकी टोटल मिला के उस टाइम में 1800 लोगों का डेथ हुआ था। ये मैं नहीं, गूगल हिस्ट्री कहता है। जय जगन्नाथ दोस्तों, फिर से एक नया ब्लॉग का आपको स्वागत करता हूं दोस्तों। दोस्तों आप मंदिर दर्शन करने बाद आपको यहां पे जो लोकल टूरिस्ट पॉइंट है वो आप घूम सकते हो। वैसे कि यहां पे बोटिंग का भी सुविधा है, आप बोटिंग कर सकते हो। तो यहां पे देख सकते हो बोटिंग यहां पे लगा हुआ है, वहां पे भी मैं जा रहा हूं। देखते हैं क्या कुछ प्राइस रहता है और कितना टाइम में बोटिंग करना पड़ता है यहाँ पे, कितना टाइम कहाँ कहाँ तक लेके जाता है वो सब हम लोग अब दिखाएंगे आपको। दोस्तों आपको यह से टिकट लेना होता है और टिकट का प्राइस रहता है 100 रुपीज़। और हम लोग सीधा जाएंगे अभी बोटिंग की तरफ। काफ़ी सारे लोग पहले से आ चुके हैं और हम लोग जाएंगे। हवा तेज, बहुत तेज दे रहा है, कुछ आवाज़ सुनने में नहीं आ रहा होगा। दोस्तों अग्नि तीर्थम से थोड़ा ही दूर पे बना हुआ है बोटिंग पॉइंट। यहाँ पे आप आ सकते हो कि ध्यान में रखते हुए सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये खुलती है, उसका अंदर आप आके बोटिंग कर सकते हो। तो चलिए अंदर चलते हैं और बैठने का मजा लेते हैं। तो दोस्तों आप जब बोटिंग करते होंगे ना, तो बढ़िया सा आवास के साथ और मंदिर का जो व्यू बहुत जबरदस्त है यार। तो अग्नि तीर्थम का व्यू भी बहुत बढ़िया आ रहा है और बीच समुद्र को लेकर जा रहा है, ये भी देख सकते हो मस्त। एक तो काफी सारे जहाज यहाँ पे, काफी सारे जहाज जो मछली पकड़ने वाला जहाज काफी सारे हैं यहाँ पे। तो ऐसे देख सकते हो मंदिर का व्यू एकदम मस्त बढ़िया आ रहा है। तो बीच समुद्र में दूसरा बार हुआ कि मैं बोटिंग कर रहा हूँ। पहला तो मैं कन्याकुमारी में किया था, दूसरा यहीं पे है रामेश्वरम में। तो मेरे को पहले से पता नहीं था कि यहाँ पे बोटिंग भी हो रहा है। देख के मेरे को पता चला कि हाँ यार बोटिंग हो रहा है। और तो देखते हो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फोटो वोटो खींचने के लिए आते हैं और मस्त हवा तो भाई मस्त दे रहा है एकदम। भाई 100 रुपये में ना तकरीबन आधा घंटा घुमाता है, आपका पैसा वसूल हो जाएगा। अभी रिटर्न लेकर जा रहे हैं अपने को। दोस्तों अगर आप बोटिंग करना है ना, कभी भी आप आओगे तो सुबह करना नहीं तो शाम को करना, क्योंकि दोपहर में फिलहाल बोटिंग कर रहा हूँ और यहाँ पे ज़्यादा धूप है और मतलब गर्मी तो भाई पूछो ही मत। गर्मी इतना नहीं हो रहा क्योंकि हवा तेज दे रहा है, फिर भी धूप ज़्यादा है। आप कभी भी आओ, इवनिंग हो या मॉर्निंग में, इस दोनों चॉइस कर लो। तो दोस्तों इस छवि को देख के मेरे को बचपन का याद आ रहा है, जब मैं छोटा था और रामायण सीरियल देखता था मेरे को बहुत खुशी होता था, और इस छवि को देख के वो याद आ रहा है। सुदशरथ जड़ बिहारी सीताराम चरित। तो दोस्तों बोटिंग करने के बाद सेकंड जो टूरिस्ट पॉइंट आता है वो है धनुषकोडी रामेश्वर राम सेतु।
वहाँ पर जाने के लिए आपको प्राइवेट ऑटो मिल जाएगा जिसका पर पर्सन हिसाब से लेते हैं वो पर पर्सन 400। और अगर भाई बस में जाना चाहते हो तो अग्नि तीर्थम से तो आपको एक बस स्टैंड है वहीं से आपको बस मिल जाएगा। फिलहाल बस स्टैंड बस लगा हुआ है तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं भी बस स्टैंड के लिए बस के लिए वेट किया हूँ। और यहाँ पर चलते हैं, पूछते हैं क्या कुछ रेट रहता है पर पर्सन का हिसाब से लेते हैं या क्या कुछ रहता है, गवर्नमेंट का बस है और टाइमिंग क्या रहता है घुमाने का, सब कुछ डिटेल्स देने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, तो देख सकते हो तो यहाँ से आपको रामेश्वरम बस स्टैंड के लिए भी डायरेक्ट बस मिल जाएगा और यहाँ पे जो नियरेस्ट टूरिस्ट प्लेस है वो भी वहाँ पे तो जाने के लिए बस मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑटो भी बहुत सारा ऑटो है, ऑटो तो बहुत सारा मतलब ये एरिया में जितने भी सारा ऑटो है ना, आप जहाँ जहाँ भी घूमना चाहते हो घुमा लेंगे, बट ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे बस नंबर लिखा है 2A। तो दोस्तों मैं हूँ अभी धनुषकोड़ी में, अग्नि तीर्थम से धनुषकोड़ी का जो बस का किराया था वो था 30 रुपीस। और यहाँ पे हम लोग चलो घूमते हैं। देखो यहाँ पे धनुषकोड़ी में मैं आके पहुँच गया हूँ, देख सकते हो धनुषकोड़ी यहाँ पे एकदम सुबह सुबह, दुकान भी एक भी नहीं खोला है, सुबह 8 बजे है अभी। तो यहाँ पे पहले मेडिकल कॉलेज था और रेलवे वाटर टैंक, ओल्ड रेलवे स्टेशन और रेलवे ओल्ड गोडोर, ओल्ड चर्च, ओल्ड कॉलेज एंड टेम्पल, ये सब कुछ था 1964 से पहले। तो यहाँ पे एक भी दुकान नहीं खुला है अभी तक, सुबह 9:30 हो रहा है, कितने बजे खुलते हैं मालूम नहीं है। पहले हम लोग कवर करेंगे चर्च, हमारा शॉप कितने बजे ओपन होता है? सब ओपन टाइम लेट। तो दोस्तों धनुषकोड़ी रोड से थोड़ा सा आप आगे आए हुए, सबसे पहले आपको एक चर्च देखने को मिलेगा। चर्च 1964 से पहले इस चर्च में पूजा होता था, बहुत सारे लोग आते थे। गूगल हिस्ट्री ये कहता है कि 1964 में यहाँ पे 200 लोगों का डेथ हुआ था और टोटल साइक्लोन में 1800 लोगों का डेथ हुआ था। तो चलिए दोस्तों उस कुछ निशानी आपको दिखाता हूँ इस चर्च का, तो आप देख सकते हो दोस्तों ये जो पत्थर आपको दिख रहा है, आप जब राम सेतु पत्थर देखने के लिए जाओगे, सेतु वाला पत्थर देखने जाओगे तो आपको सेम टू सेम आपको ये पत्थर दिखेगा। तो ये पत्थर आप देख सकते हो, ये पुराना वाला पत्थर है, जो कुछ है नहीं इस पर, ऐसा लगता है उस टाइम में कैसे बनाए होंगे, ये तो बालू जैसा लग रहा है हाथ में, निकल जा रहा है। इस चर्च को आप देख सकते हो, वैसे चर्च अभी चर्च का अवस्था में नहीं है, काफ़ी सारे टूट फूट गया है, इतना फूटा है कि गाड़ी बड़ी जाना आ जा सकता है। यहाँ पे रखते होंगे जीसू को, पूजा वूजा करते होंगे, बट ये देख सकते हो एकदम पत्थर वत्थर का एकदम टूट गया है। और यहाँ पे रेलिंग जैसा लगा दिया है जैसे अंदर कोई ना आ पाए और बाहर से ही देखे। ये हम लोग पहली बार जब, तो एक साल पहले हम लोग जब आए थे यहाँ पे, यहाँ सब कुछ भी नहीं था, ये सब रेलिंग वाली सब अभी लगाया होगा एक साल के बाद, मतलब इधर इधर लगाया होगा। तो मेन बात है कि दोस्तों दोनों साइड में दो बीच आपको देखने को मिलता है धनुषकोड़ी में। तो दोस्तों जो आपको देख रहा होगा सामने,
कभी 1964 में यहाँ पे शहर हुआ करता था, तो उस टाइम में जो साइक्लोन आया था तो 800 लोगों का डेथ हुआ था, तो क्या कुछ नहीं होगा उस टाइम पे। तो देख सकते हो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, ये देखो बिल्डिंग जैसा था शायद इस पे, और ये है मेडिकल कॉलेज। तो इसको अंदर लेके आपको चलता हूँ, तो यहाँ पे देखते हो सामने कोई नहीं है, दुकान भी बराबर खुला नहीं है अभी तक। तो मैं थोड़ा अंदर चलता हूँ देखने के लिए क्या कुछ दिख रहा है कैसा अंदर। भाई साहब डरावना है भाई, तो आप देख सकते हो एकदम रेत भर गया है अंदर, इसको देख सकते हो कैसा हो गया है सब। तो दोस्तों ये है धनुषकोडी बीच, एकदम सुनसान, मतलब कोई भी नहीं है यहाँ पे, फुल प्राइवेट बीच भी इसको कह सकते हैं क्योंकि ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं है। तो सुबह का टाइम में फिलहाल तो सुबह 10:30 से 11 होने वाला है अभी, ओ शाम का टाइम में अभी मज़ा आता अलग, क्योंकि शाम का टाइम में बस नहीं मिलेगा ना, इसका दिक्कत है, नहीं तो मज़ा तो आता ही होगा। और रोड के इस तरफ हम लोग अभी जाएंगे, यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। जैसे आप रोड का नीचे आओगे ना, सबसे पहले ये रेलवे का बड़ा पानी का टंकी आपको देखने को मिलेगा, ये जो देख रहे हो रेलवे स्टेशन में पानी का टंकी, और यहाँ पे स्टोर किया जाता था। और इस तरफ जाएंगे हम लोग रेलवे स्टेशन में, ऐसा लगता है कि हम लोग जंगल पे आ चुके हैं, बट ये जंगल नहीं है, ये हकीकत है। 1964 पहले ये रेलवे स्टेशन, पानी की टंकी, ये सब कुछ होता था। यहाँ पे एक मंदिर है। तो ये है रेलवे स्टेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है धनुषकोडी डिसेंबर 1964 में, और ये तो ओल्ड टेम्पल, तो इस साइड में टेम्पल होगा, इस साइड में एक टेम्पल है, तो आपको दिखा चलता हूँ। तो इस तरह जाओगे ना, मैंने अंदर अंदर पीछे पीछे बहुत सारे बिल्डिंग आपको देखने के लिए मिलता है। तो मेरा मानना है कि अगर इस पर कोई बोर्ड लगा दिए होते कौन सा बिल्डिंग पे क्या था, मतलब लोगों को देखने के लिए अच्छा लगता कि हाँ भाई हम लोग ये देख रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है, मैं लोगों के यहाँ पे पूछ के आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे बोर्ड कुछ होता तो हम लोग हाँ सोचते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, इस मंदिर है, ये चर्च है और ये स्कूल है, तो यहाँ कुछ मतलब अच्छा लगता है देखने में, और भी थोड़ा इंटरेस्ट लगता है, हाँ भाई ये स्कूल था और अभी कैसे हो चुका है, और पता नहीं चलता था भाई हाँ बिल्डिंग है, हाँ भाई बिल्डिंग है, कौन सा बिल्डिंग है भाई नहीं पता। और एक साइड तो समुद्र का आपको दिखा दिया कितना जोर से लहर दे रहा था, और एक साइड समुद्र आप देख लो भाई, पानी दूर दूर तक नहीं है, देखिए देख दो पानी दूर दूर तक नहीं है, ये कोई क्रिकेट का फील्ड ऐसा लग रहा है। तो धनुषकोडी ओल्ड टेम्पल तो वहीं पे देखने के लिए मिलता है जस्ट ए साइड में, तो आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। तो यहाँ पे एक मंदिर है, इस मंदिर पे मतलब 1964 से कैसे दिख रहा था वो सब पोर्ट और क्या क्या दिख रहा था फोटो भी है। तो उस साइड में देख रहा होगा आपको चर्च, और ये भी रेलवे स्टेशन, और ये भी रेलवे स्टेशन है, ये रोड रेलवे ट्रैक रोड, ये साइक्लोन आफ्टर, अच्छा ये भी रोड है और वो पोर्ट है, और यहाँ पे नीचे तबाही हो गया है, रेलवे स्टेशन देख सकते हो डब्बा एकदम बिखर गया है, और ये भी पोर्ट है, सब यहाँ पे लिख दिया है पहले से 1964 साइक्लोन धनुषकोडी। तो यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर भी है, तो इसको दिखाते हुए हम लोग आगे चलते हैं अभी। और ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये है अग्नि तीर्थम का पास जो बोटिंग हम लोग किए थे, ये वही पॉइंट है, ये नया वाला है। तो यहाँ पे जो मतलब फोटो वोटो हर किसी पे लगाया होता तो अच्छा लगता, बट यहाँ पे किसी किसी जगह पे फोटो है और किसी किसी जगह फोटो नहीं है। और धनुषकोडी को आके इस जगह को कभी मिस मत करना, क्योंकि बाद में आपको पछतावा होगा कि भाई इतना दूर आके हम लोग इस चीज़ को कैसे मिस कर दिए,
तो चलिए दोस्तों हल आगे चलते हैं, दी लास्ट रोड ऑफ इंडिया धनुषकोड़ी, तो वहाँ पे चलते हैं हम लोग अभी। तो वहाँ पे भी हम लोग बॉस में ही जाएंगे, तो यहाँ से आपको बॉस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको खाने पीने का बहुत सारी वेरायटी मिल जाता है नॉनवेज का ऊपर, मछली तो यहाँ पे 100 का ऊपर वेरायटी आपको मिलेगा। तो मेरे को भी थोड़ा सा भूख लग रहा है और मैं जा रहा हूँ होटल की तरफ खाने के लिए, देखते हैं क्या कुछ खाने मिलता है यहाँ पे अभी। तो इसी होटल में हम लोग खाने वाले हैं अभी मछली। नेम क्या है नाना मीन? उरागम। उरागम उरागम पारे। उरागम पारे। किधर भी एक जगह में बैठ जाते हैं। यहाँ पे आपको मछली का वैरायटी, यहाँ पे भी बहुत सारे मछली रखा गया है, ये सब कटा हुआ है और ये फ्राई। बस 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 लाइक बस। सामने आपको जो लाइट हाउस दिख रहा होगा वो वहाँ लाइट हाउस है, और 5 किलोमीटर आगे दी लास्ट रोड ऑफ धनुषकोड़ी, तो वहाँ से इंडिया का रोड ख़त्म होता है, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो फिलहाल मैं बॉस को वेट किया हूँ और बॉस आया ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए बहुत सारा वेरायटी मिल जाएगा, मछली के ऊपर बहुत सारा वेरायटी मिलेगा आपको। तो दोस्तों मैं मस्त मछली चावल खा के यहाँ पे आके थोड़ा सा बैठा हूँ और बॉस को वेट किया हूँ, देखते हैं बॉस कितने बजे आएगा। अभी धनुषकोड़ी हो गया घूमना, बाद में जाएंगे लास्ट रोड ऑफ इंडिया, वहाँ से श्रीलंका 18 किलोमीटर है और काफ़ी खूबसूरत व्यू भी यहाँ उससे देखने के लिए मिलता है। बट यहाँ पे जो है बस में आपको दो, एक तो फ़ायदा है और दूसरा लॉस भी है, टाइम आपका लॉस होगा। अगर आप एक जगह एक घंटे में एक बस आपको मिलता है, और ऑटो में क्या है 3 घंटे में आपको 6 प्लेस घुमाते हैं, ठीक है। अगर आप खाली घूमने के लिए आते हो तो भाई आ जाओ ऑटो में, अगर आप ब्लॉगिंग करने के चक्कर में आते हो या और कुछ वीडियो बनाने के चक्कर में आते हो तो आप बस में ही आइए, तो तभी जाके आपको फ़ायदा मिलेगा। तो देखते हैं, और यहाँ पे तो मैं रोड के बाजू में ये खड़ा हूँ, एक तो मंदिर है वहाँ पे, वहीं पे मैं बैठा हूँ और देखते हैं कितने बजे बॉस आता है। बॉस आएगा तो आगे चलेंगे और आगे आपको व्यू मस्त देखने को मिलेगा। यहाँ से जो व्यू आपको नहीं दिखा पाया आगे जाके व्यू आपको दिखाऊंगा कि दोनों समुद्र के आगे जाके मिलन होती है, और यहाँ पे जो है दोनों तरफ से बहुत लॉन्ग में रहते हैं तो यहाँ पे तो दिखता नहीं है। बंगाल का खाड़ी और अरब सागर का दोनों पर आगे जाके मिलन हुआ है, वहाँ पर आपको दिखाएंगे। ऐसे बॉस आप कर बॉस पे बैठ के जा रहा हूँ भाई। चारों तरफ आपको पानी पानी नज़र में आएगा, और यहाँ पे दोनों साइड अलग अलग समुद्र है, इस साइड है बंगाल का खाड़ी और ये साइड है अरब सागर। तो ये देखते हो दोस्तों यहाँ पे कितना एकदम धीमी लहर, कितना धीमी है इसका, एकदम स्लोली, पता भी नहीं चलता है क्या लहर दे रहा है क्या दे रहा है, एकदम स्लोली। और ये साइड में देख ही सकते हो कितना बड़ा लहर दे रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि समुद्र का एकदम गहराई में हम लोग हैं। पत्थर डाल दिया गया है और बार बार पत्थर का ऊपर
पानी फेंक रहा है, इस देख सकते हो कितना जोर से लहर दे रहा है। तो यहाँ से श्रीलंका का डिस्टेंस है 18 किलोमीटर और 40 किलोमीटर के बाद उसका सिटी आ जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग नहाते हैं, देख सकते हैं, इसको राम सेतु कहते हैं, इसको इंडिया का लास्ट रोड ऑफ सिटी। तो ये अशोक स्तंभ बीच में बना हुआ है और राउंड जैसा हो गया गाड़ी ऐसे घुमाने के लिए, बट आगे तो गाड़ी जाएगा ही नहीं। स्थल भाग में रोड यहाँ पे ख़त्म हो गया, अभी जो चलेगा समुद्र का जहाज़। थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, तो इंडिया का लास्ट रोड होने के नाते यहाँ पे थोड़ा सा मैं घूम लिया, बट यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने का नहीं है। तो अगर समुद्र के जहाज़ भी आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बट हम लोग चलेंगे बस। अभी लगा हुआ है, देखते हो रोड पे खड़ा हुआ है बस, तो बस में हम लोग जाएंगे विभीषण टेम्पल, जो कि रोड पे इसी रोड में ही आता है। तो हम लोग चलते हैं, ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं देंगे, उस मंदिर पर ज़्यादा टाइम देंगे। दोस्तों ये हो गया मेन रोड। अगर बस में इधर से आप आओगे धनुषकोड़ी, तो धनुषकोड़ी से यहाँ से आपको उतर देगा बस और आपको सीधा यहाँ पे जाना है विभीषण टेम्पल, वो सामने आपको नहीं दिख रहा होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, विभीषण वो टेम्पल है जब भगवान श्री राम ने लंका से रिटर्न किए थे, लंका दहन करके वापस आए थे, तो यहाँ पे विभीषण का राज्याभिषेक हुआ था और विभीषण का मंदिर यहाँ पे बना हुआ था। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मैं चलते हुए जा रहा हूँ अभी। देखो अरब सागर में दोनों साइड में पानी ही नहीं है, ये देखते हो पानी एकदम सूख गया है। थोड़ा सा आपको नज़दीक से जाके दिखाता हूँ, तो देख सकते हो पानी ही नहीं है। इस साइड में थोड़ा बहुत पानी मेरे को दिख रहा है, बट इस साइड में बिल्कुल ही पानी नहीं है। तो मेन रोड से लगभग 200 या 300 मीटर दूर होता है टेम्पल। अब बस में आपको पैदल ही आना होता है, और ऑटो में आता है तो डायरेक्ट आपको मंदिर तक लेके चलते हैं। देखते हो ऑटो सामने से आ रहा है, तो दिस टाइम पानी नहीं है करके बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो मंदिर के बैक साइड है, तो हम लोग अंदर साइड चलते हैं, बट अंदर साइड जो है मोबाइल अलाउड नहीं है। आपको थोड़ा बहुत दिखाने के लिए कोशिश करूँगा, तो देख सकते हो एकदम बढ़िया सा व्यू। समुद्र में पानी नहीं है, पानी होता तो और मज़ा आता, बट पानी नहीं है तो क्या करें। तो इस तरह आपको अंदर जाना होता है, काफ़ी कुछ चेंज हो गया है एक साल में। तो यहाँ पे उनका हिस्ट्री लिखा हुआ है, मैं विभीषण टेम्पल से वापस आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे मेरा गाड़ी लगा हुआ है जाने के लिए चेन्नई एगमोर, तो टाइम हो चुका है, इसके वजह से वापस आ गया। बस बस का चक्कर में अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है तो आप मैं बस में घूमिए, ठीक है। अगर बस ज़्यादा टाइम नहीं तो लोकल जो ऑटो है वो आप ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि 200 रुपये आप काफ़ी सारा टूरिस्ट पॉइंट घूम सकते हो। वैसे मैं बस में गया क्योंकि आपको दिखाना था, नहीं तो मैं ऑटो में जाने वाला था। और चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और एक बात, अब यहाँ पे आते हो तो दो दिन का टूर प्लानिंग करना, क्योंकि एक दिन में जो है मंदिर दर्शन करना है और एक दिन में जो नियरेस्ट टूरिस्ट प्लेस है वो सब घूमना है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में उड़ीसा में, क्योंकि मैं उड़ीसा जाने वाला हूँ आगे जाके। एक महीना उड़ीसा का जो फेमस टेम्पल है और टूरिस्ट प्लेस है वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए चलते हैं।